नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयरबाज में। आज हम बात करेंगे सेरा इन्वेस्टमेंट की और करेंगे इसका वॉल्यूम एनालिसिस, क्योंकि अभी पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत पहली बार यहां पर ट्रेडिंग देखने को मिली है। मंडे को ट्रेड हुआ है तो क्या कुछ हुआ है और क्या संभावनाएं इसकी बनती है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ईमेल्स भी आ रहे हैं कि सर क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या शेयर जीरो हो जाएगा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने गोयल एल्यूमिनियम पर वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है, कल रिलायंस कैपिटल पर भी डाला है। चलिए एक मिनट, ये मैंने डाला हुआ, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर गाइस मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी सलाह देता हूँ, बच के रहिए। यहाँ पर ये गोयल एल्यूमिनियम वाले मैंने वीडियो में मैंने बताया कि एसएम स्टेज में कैसे ट्रेड करना चाहिए, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा रिलायंस कैपिटल तो आईआरपी की स्टेज वन में आया, ईएसएम की में नहीं आया फिलहाल, आईआरपी की स्टेज वन में आया है, तो इसमें ही मंडे फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्वाइन कर लेंगे अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 जुलाई 2023 चार बजे का मामला है, यानी कि ये और 1.95% का लोअर सर्किट, यानी 2% का लोअर सर्किट देखने को मिला है, क्योंकि ईएसएम की स्टेज टू में आपको 2% का ही प्राइस बैंड रहता है। ओपन देखिए 12.06 रुपये पे हाई, 12.06 रुपये, लो 12.06 रुपये, तो यानी कि कुल मिला के जहाँ पर था वहीं पर ही आपको देखने को मिला है। और वॉल्यूम देखिएगा इस कितना कम है, कितना ज़्यादा कम है, 5131 मात्र, 5131 वॉल्यूम और 100% डिलीवरी उठाई गई है, तो ये तो अभी मान के चलिए लंबी कहानी है। देखिए 9:30 बजे के आसपास मैंने लिया था, तो मात्र 31 शेयर्स खरीदने के लिए लगे हुए हैं और बेचने के लिए लगे हुए हैं 2,94,676, और वॉल्यूम फिलहाल आपको जीरो दिख रहा है। वॉल्यूम इसलिए जीरो दिख रहा है क्योंकि आपको पता है हर घंटे इसमें ऑर्डर लगाना होता है, यानी कि 9:30 से आपको ऑर्डर लगाना होगा, जो 10:15 तक लगा रहेगा। उसके बाद अगले 8 मिनट में ऑर्डर मैचिंग होती है जहाँ पर आपका शेयर खरीदेगा या बिकेगा, और उसके बाद 7 मिनट का जो पीरियड होता है वो कूलिंग पीरियड होता है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं होते हुए दिखेगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पर तो जीरो दिख रहा है फिलहाल, दिखेगा 9:30 के बाद। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने लगभग 2 बजे के आसपास लिया, यहाँ पर देखिए 201 शेयर खरीदने के लिए लगे और सेलिंग के लिए देखिए 5,92,817, और यहाँ पर वॉल्यूम 3,477 का इसने जनरेट कर लिया था। तो ओवरऑल बात करेंगे लगभग 3:29 पर यहाँ पर देखिए कूलिंग पीरियड चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो दिख रहा है, और 5,131 का वॉल्यूम जो आपने शुरू में भी देखा, बीएससी की साइड पर एग्जैक्टली यही दिखा रहा है ना, तो 5,131 का वॉल्यूम जनरेट किया, लगभग मार्केट बंद होते होते 6,06,492 शेयर सेलिंग साइड में लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको देखिएगा लोअर सर्किट फिलहाल देखने को मिला है। तो अभी जिस हिसाब से गाइस सेलिंग ऑर्डर लग रहे हैं उस हिसाब से वॉल्यूम तो अभी फिलहाल बहुत ही कम आ रहा है। और दूसरा गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या किसी का शेयर बिका पीरियोडिक कॉल ऑप्शन के तहत जिसने लिमिट ऑर्डर लगाया हो और इसका निकल गया हो। गोयल में भी मैंने पूछा था, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि किसी का शेयर निकल पा रहा है, अगर किसी का निकल रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपको सावधानी बरतनी होगी, अब मैं बता रहा हूँ, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए पैनिक स्टॉक्स के मामले में, क्योंकि जिन कंपनियों का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, सेबी और एक्सचेंजेस वगैरह मिलकर सब लोग इसको ईएसएम की स्टेट टू में डाल दे रहे हैं, और ईएसएम की स्टेट टू में डालने के बाद वो उसमें मंडे ट्रेड होता है और फिर बिक तो पा ही नहीं रहा है। भाई सेरा में आप देख ही रहे हैं यही हाल सभी पैनिक स्टॉक्स में होने वाला, आज नहीं तो कल 100% मान के चलिए। तो अच्छा, और ईएसएम पे वीडियो देखना गए तो एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा चलते हुए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं या यहाँ पर कार्ड्स में चलते हुए दिख जाएगा आपको, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बच जाएंगे, आपका पैसा सेफ हो जाएगा। चलिए अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।